इसी के साथ हम अभी जा रहे हैं नारायण थान पूरा नीलकंठ सभी परिवार के साथ। ये तो बोली ये तो हेरी जाऊ ना बाबू। हेलो बंदे हाय बंदे छोटी जो है बहुत एक्सपर्ट है हाय हेलो बोलने में। दूसरा है कि चंचल है नास्ता चार महीना में ठीक हो जाऊंगा से पर ठीक हुन्छ हैन तो हमने कर लिया है। उसके बाद हम निकलेंगे पूरा नीलकंठ के और दर्शन के लिए। थोड़ी बहुत नाश्ता कर लिया यहाँ पे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से थोड़ी दूर है 100 गज दूर। यार इनसाइड पूरा नीलकंठ मंदिर के अंदर ही हुआ फिलहाल। एंट्री गेट से एंट्री होकर अंदर आए हुए हैं। ये देख सकते हैं पूरा नीलकंठ। अंदर तो जाना के नहीं पाएंगे। ये रहा पूरा नीलकंठ। बूढ़ा नीलकंठ एक प्राचीन मूर्ति है जो कि खुद ब खुद धरती से उत्पत्ति हुई है और काफ़ी पुराना इसका हिस्टोरिक कल्चर है। और देख सकते हैं आप यहाँ सभी लोग शांति प्रिय बनाए रखे हुए हैं। इतना शांत हम दर्शन कर रहे हैं बूढ़ा नीलकंठ। देख सकते हैं आप बूढ़ा नीलकंठ जो कि धरती पे ये अपने आप उत्पत्ति हुई है नेपाल की धरती पर। और जब आप शिवरात्रि के दिन में आएंगे तो ये बूढ़ा नीलकंठ की जो छाया है उसमें शिव भगवान का आपको छाया दिखने को मिलेगा, दर्शन होगा। सो फ्रेंड अभी तो यहाँ पे उतना भीड़ भड़ाका नहीं है, यहाँ पे शाम के समय आकर आप दर्शन कर सकते हो इवनिंग टाइम पर बहुत शांति प्रिय से। आप सभी को ज्ञात करा रहा हूँ ये बूढ़ा नीलकंठ है जो कि नेपाल का है और श्रद्धालु सब यहाँ पर अपने श्रद्धा लेकर आते हैं। तक कि मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत अच्छा भक्ति भावना का लेके आ जाते हैं सभी लोग। सभी अपने अपनी मन्नत लेके आते हैं और मन्नत पूरे होने के बाद यहाँ पर बूढ़ा नीलकंठ में कुछ डोनेशन अपने नाम पे किया जाता है। तो मेरे को यहाँ के खासियत के बारे में उतना खास कुछ पता नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को दृश्य दिखा रहा हूँ जो मेरे जरिए से जितने भी हो सकता है उतना। तो थैंक यू गाइस, आप सभी को मेरे साथ ट्रैवलिंग करके बहुत अच्छा लगा होगा। होप सो हाँ जी पता जाने था ना हुआ उन्होंने। तो जितना हो सके मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरी आज दिन भर की जो है लास्ट विजिटिंग है यहाँ पे बूढ़ा नीलकंठ नेपाल। तो आप सभी को पशुपतिनाथ स्वयंभूनाथ और उसके बाद ये बूढ़ा नीलकंठ में मैंने दर्शन कराया, कैसा लगा कमेंट पे आप मुझे कुछ कमेंट कीजिएगा जो ताकि मैं कुछ इंस्पिरेशन ले सकूँ। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर चैनल में नए हो तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय गाइस।